Very good morning, class. Now today we will discuss exercise of topic is verbs. Verbs start किया था हमने topic अपना. Verbs means क्या होती हैं? क्रिया. Verbs. Verbs means क्या होती हैं? क्रिया. जो हम क्या करते हैं? काम करते हैं. वो क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है. हमने इसकी definition और कुछ example हमने discuss किए थे बच्चों. आज हम discuss करेंगे इसकी exercise. Okay? सो फर्स्ट एक्सरसाइज इज आप एक्सरसाइज से समझेंगे हम कैसी वर्ब्स हो सकती है. अंडरलाइन वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. Sentences, okay? First is the sun shines. जो सूर्य है वो क्या करता है? चमकता है. तो आपको verbs पे क्या करना है? अंडरलाइन करनी है. The 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 sun sun shines. जो sun है वो क्या कर रहा है? चमक रहा है. तो shines word यहाँ पे क्या है? हमारा वर्ब है. क्या है? हमारी वर्ब है. नेक्स्ट सेकंड इज द गर्ल्स आर डांसिंग. द गर्ल्स आर डांसिंग. जो गर्ल्स है वो क्या कर रही है? डांस कर रही है. क्या कर रही है? वो डांस कर रही है. तो डांसिंग वर्ड यहाँ पे क्या है? हमारा हमारी क्या है? वर्ब है, यानी क्रिया है. जो गर्ल्स है वो क्या कर रही है? डांस कर रही है. तो वो जो भी काम कर रही है वो वर्ड क्या होगा अपना? जैसे अभी तो क्या कर रही है? गर्ल्स डांस कर रही है. द गर्ल्स आर डांसिंग. तो डांसिंग वर्ड यहाँ पे क्या है? क्रिया है, क्योंकि वो क्या कर रही है? डांस कर रही है. थर्ड आई राइट आई राइट अ लेटर. राइट वर्ड यहाँ पे क्या है? राइट वर्ड यहाँ पे क्या है? वर्ब है. क्यों है वर्ब? क्योंकि राइट मतलब लिख रहा है वो. मैं लेटर लिख रहा हूँ. आई राइट अ लेटर. राइट वर्ड यहाँ पे क्या होगा? हमारा वर्ब होगा, क्योंकि लिखना भी क्या है? क्रिया है. क्या काम कर रहे हैं ना हम वो? तो राइट वर्ड क्या हो जाएगा? हमारी क्रिया हो जाएगी. नेक्स्ट फोर्थ the peon rings the bell. peon क्या बजा रहा है? बैल बजा रहा है. क्या बज रही है? रिंग्स. क्या रिंग हो रही है? घंटी बज रही है, बैल बज रही है. the peon rings the bell. तो रिंग्स क्या हुआ यहाँ पे? हमारा बजना क्या हो गई यहाँ पे? वर्ब हो गई. क्या बज रही है? घंटी बज रही है ना, रिंग्स हो रही है. तो रिंग्स वर्ड यहाँ पे क्या है? हमारी वर्ब है. नेक्स्ट फाइव नंबर द बेबी इज क्राइंग फॉर मिल्क. द बेबी इज क्राइंग फॉर मिल्क. जो बेबी है वो किसके लिए रो रहा है? किस चीज के लिए रो रहा है? मिल्क के लिए. क्राइंग, क्राइंग मतलब वो रो रहा है. वो रो रहा है. क्या कर रहा है? वो रो रहा है. तो रोना वर्ड क्या है यहाँ पे? हमारी क्रिया है. क्या है रोना वर्ड? क्रिया है. द बेबी इज क्राइंग फॉर मिल्क. नेक्स्ट सिक्स नंबर द गर्ल इज स्लीपिंग. जो गर्ल है वो क्या कर रही है यहाँ पे? स्लीपिंग कर रही है, यानी सो रही है. द गर्ल इज स्लीपिंग, यानी गर्ल क्या कर रही है? सो रही है. तो सोना वर्ड यहाँ पे क्या है? हमारी वर्ब है. नेक्स्ट सेवन द लायन इज रोरिंग.
लायन इज रोरिंग, मतलब लायन क्या कर रहा है, दहाड़ रहा है. क्या कर रहा है लायन? दहाड़ रहा है. द लायन इज रोरिंग मतलब दहाड़ना. वर्ड यहाँ पे क्या है हमारा, क्या है वर्ब है यानी क्रिया है. ए एन ओल्ड मैन इज वॉकिंग. द ओल्ड मैन इज वॉकिंग, जो ओल्ड मैन है वो क्या कर रहा है, वॉक कर रहा है. क्या कर रहा है, वो वॉक कर रहा है मतलब चल रहा है. द ओल्ड मैन इज वॉकिंग, जो ओल्ड मैन है वो क्या कर रहा है, वॉक कर रहा है. तो वॉकिंग वर्ड यहाँ पे क्या है, हमारी वर्ब है. नाउ अगेन द सनशाइन, शाइन्स वर्ड इज अ वर्ब. नेक्स्ट सेकेंड, द गर्ल्स आर डांसिंग, डांसिंग वर्ड इज अ वर्ब. नेक्स्ट आई राइट अ लेटर, राइट वर्ड इज अ वर्ब. राइट वर्ड क्या है, वर्ब है. द प्यून रिंग्स द बेल, रिंग्स वर्ड इज अ वर्ब. नेक्स्ट फिफ्थ, द बेबी इज क्राइंग फॉर मिल्क, जो बेबी है वो दूध के लिए रो रहा है. क्राइंग वर्ड इज अ वर्ब. नेक्स्ट द गर्ल इज स्लीपिंग, जो गर्ल है वो क्या कर रही है, स्लिप कर रही है यानी सो रही है. स्लीपिंग वर्ड इज अ वर्ब. नेक्स्ट द लायन इज रोरिंग, लायन क्या कर रहा है, दहाड़ रहा है. द रोरिंग वर्ड इज अ क्या है, वर्ब है. तो एंड ओल्ड मैन इज वॉकिंग, ओल्ड मैन क्या कर रहा है, वॉक कर रहा है. क्या कर रहा है, वॉक कर रहा है. तो ओल्ड मैन वाला, ओल्ड मैन जो है वो क्या कर रहा है, चल रहा है, वॉक कर रहा है. तो वॉकिंग वर्ड क्या होगा हमारा, क्या होगा वॉकिंग वर्ड, वर्ब होगा. मतलब हम जो भी काम कर रहे हैं वो क्या होगी, हमारी वर्ब होगी यानी वो क्रिया होगी. इसके द्वारा किया जा रहा है, नाउन या प्रोनाउन के द्वारा ही किया जाएगा. तो वो जो भी हम काम कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं वर्ब. क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं. वर्ब होती है हमारी क्रिया. क्या होती है, क्रिया. इसमें हमने जो अंडरलाइन किया है बच्चों, वो क्या है, हमारी क्रिया है, वर्ब है. क्योंकि शाइन्स, डांसिंग, राइट्स, रिंग्स, क्राइंग, स्लीपिंग, रोरिंग एंड वॉकिंग. ओके, सो कंप्लीट योर एक्सरसाइज, डू दिस वर्क इन योर इंग्लिश रीडर नोट, ग्रामर नोटबुक. थैंक यू, बाय बाय.